इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे यहाँ पर इंसर्ट ए डिस्क दिखाता है हमारे पीसी के अंदर और प्लीज़ इंसर्ट ए डिस्क इन्फो डिवाइस ऐप, बट क्या होता है कि डिस्क तो हमने लगा रखी है यहाँ पर, कैसेट तो लगा रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है और क्या इसका सलूशन है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब ऐसा होता है तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लैपटॉप रहते हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर इशू आता है, क्योंकि वो थोड़ी सी भी स्क्रैच की किसी डिस्क को जो है यहाँ पर उसको पकड़ नहीं पाते, उसका ड्राइवर उसको यहाँ पर पकड़ नहीं पाता है, तो सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी जो कंडीशंस रहती है यहाँ पर वो ये रहते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर है यहाँ पर हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है वो अभी ओल्ड हो चुका है और यहाँ पर बहुत सारे क्रैशेज आ चुके हैं, एंटीवायरस आ चुका है, तो भी यहाँ पर वो कैसेट जो है नहीं आ पाएगी आपके कंप्यूटर के अंदर। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारे पीसी के अंदर देखी जाती हैं, और कंप्यूटर के अंदर ये कम प्रॉब्लम आती क्योंकि वो जो हमारी कैसेट होती है उसको पकड़ लेता है बहुत आसानी के साथ, लेकिन लैपटॉप ऐसी हल्की सी स्क्रैचेस को भी या ओल्ड कैसेटों को भी पकड़ नहीं पाता है। तो वहाँ पर आप न्यू कंडीशंस की यूज़ कर सकते हैं, अगर आप विंडो वगैरह डालते हैं तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम आ जाती है। और अब इसका सोल्यूशन क्या होता है पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को आप जो है पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपने सिस्टम को अपडेट करके रखिए। यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाइए और यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट दिखाई देगा, ये रहा यहाँ पर, ये रहा, इसको खोल लेना है। आओ, आपको यहाँ पर इंस्टॉल न्यू विंडोज़ अपडेट सॉफ्टवेयर ऐसा आएगा, तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके आपको थोड़े से डेटा वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर, तो वहाँ पर आप यहाँ पर इसको अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर आपकी 50% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारे इशू आते हैं, बहुत सारे बग आते हैं जो हमारे कंप्यूटर में रह जाते हैं। और अदरवाइज़ आपको ऑप्शंस दिया जाता है कि आप एक न्यू टाइप की कैसेट को यूज़ करें ड्राइवर के अंदर, हमारे पीसी के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, अदरवाइज़ आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो आई रहती है। अब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, दोबारा इसको टच करते हैं, फ़िलहाल ये हमारे में एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन मैंने इसको डाल रखा है फिर भी एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, तो यही प्रॉब्लम है। मैं इसको न्यू कंडीशंस की कैसेट लगाऊंगा तो बिल्कुल ऑटोमेटिक ये पकड़ लेगी, और मैं अपने सिस्टम को अपडेट करके रखूँगा तो भी पकड़ लेगी, तो यही रीज़न रहता है बस यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और कुछ इजेक्टेड यहाँ पर कैसेट भी आती हैं, उनको तो आप यूज़ करिए, बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, क्योंकि फॉर्मेट अब मारते हैं फिर भी एंटीवायरस हो तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है आपको बहुत सारी, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस होता है बस थोड़ा सा, बाकी पर आपके हार्डवेयर में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जितने यहाँ पर कंडीशंस होती है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।